अगर आप भारत का इतिहास देख लें तो आजादी की लड़ाई का क्या मैंडेट था कि आजादी के बाद समानता लाई जाएगी, न्याय की स्थापना की जाएगी, क्योंकि भारत का समाज ऐसा था कि जो लोग आराम से रहते थे वो मजे में थे, जो मेहनत करते थे वो नीच जात और गरीब थे। तो चाहे भगत सिंह हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो अंबेडकर हो, सबका ये था कि आजादी के बाद हम समानता और न्याय लाएंगे। लेकिन जो बिना मेहनत किए मजे कर रहे थे, सवर्ण जातियां, व्यापारी जातियां, वो क्या फिराक में थी कि नहीं समानता आ गई तो हमको भी फावड़ा पकड़ा दिया जाएगा कि मेहनत करो और खाओ। तो सत्ता हमारे हाथ में रहे उसके लिए क्या किया जाए कि राजनीति का दिशा भटका दो, इसको कहो समानता की तरफ नहीं जाना, तुमने प्राचीन भारत के गौरव की पुनर्स्थापना करनी है। तो पूरे राजनीति को हिंदू गौरव की पुनर्स्थापना के काम में लगा दिया गया। और 1947 में राम मंदिर में बाबरी मस्जिद में मूर्ति रख दी गई। और एक बात और समझने वाली बात है कि तुलसीदास जी अकबर के समकक्ष थे और अकबर बाबर का पोता था, और तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी है 1528 में उनका जन्म हुआ, तब तक भारत में राम का कोई मंदिर नहीं था। राम के मंदिर तब बनने शुरू हुए जब तुलसीदास जी ने लोकभाषा अवधि में रामचरितमानस लिखी, उसके बाद अयोध्या में मंदिर बने। तो मंदिर तो बने पोते के टाइम में, अकबर के टाइम में, और तोड़ दिया दादा ने। मतलब कोई भी कह दे तुम्हारा कान कौवा ले गया, हम कौवे के पीछे भाग रहे, जरा भी विचार नहीं कर रहे। तो ये जो भी ऐसी बातें कहता है, अब मैं ये बातें बोल रहा हूं, अभी हो सकता है कोई घुस जाए तो हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है, मारो इसको। तो जैसे ही आप डोमिनेंट नैरेटिव के खिलाफ आवाज उठाते हैं तुरंत आप पर हमला हो जाता है। क्यों? क्योंकि सत्ता जो है वो इस तरह के लोकप्रिय जुमलों के मार्फत से सत्ता हासिल करती है। कैसे? हम राम वाले इसलिए हमारा अधिकार तुम पर राज करने का है, हम प्राचीन भारत की बात करते हैं इसलिए हम ज्यादा अच्छे हैं, और समानता, दलितों, आदिवासियों, आर्थिक न्याय, इसकी बात करना उनको चुनौती लगता है। जैसे आप इनकी बात करेंगे उनको लगता है उनकी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं जी। तो ये पूरा का पूरा इसका गणित है प्रतिरोध का, कि प्रतिरोध जो है वो हमेशा सत्ता को डाइल्यूट करने के चक्कर में रहता है, और उसको सत्ता को हमेशा उससे डर लगता है कि ये नया विचार लेके आए हैं और ये जो हमारा झूठा प्रचार था कि भाई राम वाले अच्छे होते हैं और राष्ट्रवाद की बातें करने वाले अच्छे होते हैं, इसको ये काउंटर कर रहे हैं। तो इसलिए जहां जहां प्रतिरोध हो रहा है वो सत्ता को चुनौती देने वाला है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है वो मंच पे चढ़ के भाषण दे के ही, वो लोग नाचते हैं, गाते हैं, नारे लगाते हैं, फिल्में बनाते हैं, फिल्में देखते हैं। अब तो फिल्म देखना भी बहुत बड़ा प्रतिरोध हो गया, आप फिल्म देख रहे हैं मतलब देशद्रोही है, फिल्म क्यों देखी, है ना। जैसे गांधी ने चरखा चलाना अंग्रेजी राज के खिलाफ एक प्रतीक बना दिया था, जो चरखा चला रहा है वो अंग्रेजों के खिलाफ है। वैसे ही बहुत सारी चीजें प्रतिरोध का एक तरीका हो सकती है, कहीं नाचना आबिदा एक मिनट नहीं जिन्होंने काली साड़ी पहन के गए, इकबाल बानो, जब इन्होंने वहां के जो तानाशाह थे जियाउल हक साहब, उन्होंने कहा कि साड़ी जो है वो हिंदुआनी पोशाक है, तो इकबाल बानो जब वो गीत गाने आई हम देखेंगे तो साड़ी पहन के आई, वो प्रतिरोध था, साड़ी पहनना प्रतिरोध हो सकता। तो प्रतिरोध के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसको एंजॉय करना चाहिए और हंसते हंसते इन लोगों की जो झूठ है उसकी हमें धज्जियां हमेशा उड़ाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर
पुराने झूठ की धज्जियां न उड़ाई जाती, आज हम जहां आकर खड़े हुए हैं, हमारा इंसानी समाज जितनी तरक्की करी है वो हम न कर पाते। तो आप लोगों ने मौका दिया और यहां पर मेरी बात को शांति से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।